वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल टूडेस द्री फ्रॉम चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एक कि दूसरे कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करते हो आपकी अपनी कंट्री में तो होता ही है तो डोमेस्टिक लेवल पे पर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हो फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हो कोई भी चीजें भेजते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का मतलब होता है सारी दुनिया की मार्केट्स को इकट्ठा करना इकट्ठे मिलके काम करना जैसे आप इंडिया की मार्केट में तो चीज सेल करोगे ही पर आप वर्ल्ड लेवल की जो मार्केट है वहां भी सारे प्रोडक्ट्स जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था एमएनसीज़ जो हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है वो वर्ल्ड लेवल पे सेल होता है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट्स होंगी वो आपस में इंटीग्रेट होनी चाहिए इसका फायदा क्या होगा एक तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ा डोमेस्टिक लेवल से डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकलेंगे उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपनी कंट्री से बाहर निकल के बहुत सारी अपर्चुनिटीज मिलेंगी दे कैन कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट ऑल्सो वो वर्ल्ड मार्केट में भी कंपटीशन लेवल पे उतरेंगे और कम्पीट कर पाएंगे धीरे धीरे उनकी क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी प्रोडक्ट की क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अब उनके पास भी आ रही है और प्रोडक्ट जो है वो अपना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो जाएगा गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन टू अन मार्केट और चीजें एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक ट्रैवल करेंगी मतलब सभी को हर एक प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलेगा नाउ यू हैव टू क्लियर द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन काफी तो आपको समझ आ गया होगा ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकोनेक्ट कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज रैपिड इंटीग्रेशन सभी कंट्रीज जो है वो लगातार इकट्ठे होके काम करेंगे एंड कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज सभी कंट्री का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन कुछ ना कुछ लेन देन जरूर होगा कहने का मतलब हर कंट्री का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा और जो प्रोडक्शन है वो कंट्री लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे होगा ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम टेक्नोलॉजी स्किल्स नॉलेज सभी कुछ शेयर करते हैं अपने लेवल पे नहीं रखते सभी कंट्रीज़ को देते हैं शेयर करते हैं ट्रेड करते हैं सभी कंट्रीज ट्रेड करते हैं कल्चर एक्सचेंज करते हैं अपना अपना जैसे हम इंडिया में रहते हैं पर हम वेस्टर्न कल्चर को भी तो फॉलो करते हैं ना वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं तो हमने उनका कल्चर लिया एक्सचेंज हुआ कल्चर तभी करते हैं पोलिटिकल कोऑपरेशन साइंस एंड मीडिया हर चीज जो है वो अब वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल पे जाएगी या आपके कंट्री के लेवल तक लिमिट नहीं रहेगी सो स्टूडेंट्स टुडे योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर सिक्सटी वन सिक्सटी टू एंड सिक्सटी थ्री ओके थैंक यू